हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरफ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे म्यूजिक टोन का 1000 वाट एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों MT-1200 मैंने यहाँ पे एक मॉडल को रिव्यू करा था, वाकई में मतलब धमाकेदार उसका रिस्पांस मुझे देखने मिला। कंपनी के पास यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक तक हो चुका था, उस एम्पलीफायर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। उसी को लेके यहाँ पे आप सभी की डिमांड भी थी कि भैया हमें कुछ अलग प्रोडक्ट दिखाइए, और यहाँ पे लीजिए आपके लिए अलग प्रोडक्ट आ चुका है। अलग प्रोडक्ट कैसे है वो मैं आपको इंटेल पार्ट की क्वालिटी खोल के दिखाऊंगा, आउटपुट जब बताऊंगा, जब स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। ओवरऑल अभी हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने वाला हूँ, इसके बाद इसकी बाकी डिटेल जानेंगे। लास्ट तक मैं आपकी इसकी कोशिश करूंगा इसकी प्राइसिंग डिटेल्स और टेस्टिंग के साथ भी दे दूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक पॉली बैग होती है, इसको फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये इस टाइप का बॉक्स होगा, और यहाँ पे आपको प्रो 1000 मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा। म्यूजिक टोन की ब्रांडिंग है, सिंपल सी बॉक्स पैकिंग है, और यहाँ पे भी आपको इसकी जो कि पिक्चर्स होगी कहीं ना कहीं आपको दिखी जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो कि पैकिंग है वो काफ़ी एक अच्छी थर्माकोल की पैकिंग में करा गया है। यहाँ पे ये टूटती नहीं है थर्माकोल। इसके अंदर दोस्तों आपको एक जो कि पेपर गाइड है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इसकी पेपर गाइड की जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको की चैन प्लस दो यहाँ पे आपको इसमें फ्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इसकी जो कि स्पेशियस बुक है वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है, एक कैटलॉग भी मिल जाती है। यह ज़्यादा हमारा मेन यूनिट, हमारा एम्पलीफायर, मैं इसको निकाल के अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिलती हैं। तो म्यूजिक टोन की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है प्रो 1000 डीजे सीरीज प्रोफेशनल डीजे एम्पलीफायर। आप इसको डीजे प्लस जो कि लाइव प्रोग्राम होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं इसमें आपको वॉल्यूम नोब देखने को मिलता है, बेस, मिड और ट्रिबल के तीनों के आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बात करता हूँ दोस्तों जो कि आपको ये लाल कलर का स्विच देखने को मिल रहा है, अभी स्विच किस काम में आता है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर करेंगे तो आपको हॉर्न चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो आप इसमें स्पीकर चला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको लाइव में जैसे आप ड्राइवर यूनिट हॉर्न जो होते हैं उसकी अगर आप लंबी लंबी लेंथ लगाते तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। बाकी आप यहाँ पर इसके लेवल इंडिकेटर्स को देख सकते हैं, कितना आप वो लोड जा रहे हैं, कितना आप सेफली चला रहे हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे जो कि हमें यहाँ पर चेक पावर, टेम्परेचर, लाइन हाई और ट्रिप, यहाँ पे ओवरलोड के जो इंडिकेटर्स लाइट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मल से एक ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। हैंडल्स को ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि आप इसको फ्लैट केस में भी फिट कर सकते हैं। ओवरऑल ये हो जाता है इसका फ्रंट पैनल। और अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ इसकी बैक साइड की, तो बहुत सिंपल से लुक हमें देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर अगर मैं इनपुट्स की बात करता हूँ कि यहाँ पर हमें लाइन इनपुट मिल जाता है, लाइन आउटपुट भी मिल जाता है। अगर आप इसको जैसे कि लाइन इनपुट आपने करा, अगर आप डायरेक्ट कोई भी मोबाइल हो आपके पास, लैपटॉप हो, या फिर अगर आप सिंगल स्पीकर के साथ इसको देना चाहते हैं बिना मिक्सर के, तो आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं 1 वोल्ट का इनपुट या 200 मिली वोल्ट का इनपुट आप दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों को स्विच सिलेक्शन देखने को मिलता है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन यानी आउटपुट में आपको कॉमन 2 और 4 का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो स्ट्रिप है ये लाल कलर की, ये बेसिकली ड्राइवर यूनिट्स यानी जो कि आपके हॉर्न यूनिट्स होते हैं उसको चलाने के लिए काम में आता है। तो आगे से अगर आप इसको स्विच सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में से आप बदल कर सकते हैं, यानी अगर आपको ड्राइवर चलाने तो आप ड्राइवर चला लीजिए, यहाँ पे आपको स्पीकर चलाने तो आप स्पीकर चला सकते हैं। एक सिंगल फैन का यहाँ पे यूज़ करा गया है, लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ इस साइड पर, यहाँ पे आपको म्यूजिक टोन की अगेन एक छोटा सा स्टिकर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, इफ़ यानी केस की ये ओवरलोड हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, अगर ये ट्रिप खाता है तो यहाँ से ये आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे फ्यूज देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको दोस्तों ये ग्राउंड के लिए एक सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें पावर कॉर्ड देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये है हमारा कुछ इस टाइप से बैक साइड का एम्पलीफायर। चलते हैं कुछ और भी डिटेल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एम्पलीफायर मैं ऊपर से खोल चुका हूँ। और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ उसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ कर गया है, मेन पावर और आउटपुट। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ हीट सिंक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स कौन से यूज़ करे गए हैं। आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ,
ये आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर दे सकते हैं और इस साइड दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर दे चुके हैं। यही अगर मैं काउंटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो दो चार पाँच 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 नीचे है और पाँच यहाँ है, यानी टोटल 20 ट्रांजिस्टर्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। अब पाँच आप बोलेंगे और कहाँ है भाई, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर लगे हुए हैं इस लाइन में, ठीक है ना, इस हीट सिंक पे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये पार्ट, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ उस साइड की, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि हीट सिंक है ना, वो यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड करी गई है और एक फ्रेम से इसको टाइट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इतना हिस्सा, ये यहाँ पे जो कट है ना, ये वाला अलग हीट सिंक है, ये वाला अलग हीट सिंक है, नीचे वाला अलग हीट सिंक है। पावर सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स कि यहाँ पे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये कैपेसिटर्स को देख लीजिए, और ओवरऑल ये हो जाता है, ठीक है ना। ये एक फ़ैन का यूज़ करा गया है, और ओवरऑल इतने बड़े हीट सिंक के लिए एक फ़ैन ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे फ़ैन की अगर पावर की बात करूँ तो ठीक है, इसको मैंने चलाया है तो इतनी अच्छी खासी कूलिंग कर लेता है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की बोर्ड की, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ से फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ, जो कि इसकी फिनिशिंग है वो किस टाइप से दी गई है। ओवरऑल यहाँ पे आप इसकी फ्रंट की बोर्ड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। फिनिशिंग में खैर कोई कंजूसी तो खैर नहीं करी गई है, वायर को पूरा प्रॉपर कैबिनेट के कोने कोने से तरीके से लेके गया है, और यहाँ पे आप इसकी बाकी क्वालिटी को देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हो जाता है इंटेल पार्ट की क्वालिटी। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एम्पलीफायर, जरूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों ओवरऑल अभी तक आपने देखे हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट और बैक, प्लस मैंने आपको इंटेल पार्ट की क्वालिटी दिखाई, होपफुली कि आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी आउटपुट यानी पावर आउटपुट, तो पावर आउटपुट को सेम यहाँ पे मॉडल नंबर से मैच रखा गया है, प्रो 1000, तो 1000 इसका जो है वो आउटपुट हमें देखने को मिलता है। यही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, 50 से लेके यानी 50 से लेके 15000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे वर्क करता है। यही अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो कि वेट हमें देखने को मिलता है, और वेट मतलब उठाते समय, ये फोर्थ फ्लोर है, ये यहाँ पे जो वीडियो शूटर है ये फोर्थ फ्लोर है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे वर्कर की हालत ख़राब हो गई थी। 29 किलो वेट है मात्र 1000 वाट के एम्पलीफायर का। अगेन मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे ऐसे एम्पलीफायर देखे हैं 25 किलो वेट के एम्पलीफायर मैंने ट्रांसफॉर्मर में, उनके आउटपुट 3000-4000 वाट हमें देखने को मिलती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके जो कि ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे और हीट सिंक बेसिकली, और यहाँ पे जो कि चेसी की क्वालिटी है वो कैसी रखी गई है, वो वेट से भी आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा लग रहा होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसको आप किस टाइप से इसको रन कर सकते हैं, अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, या फिर किस यूजेस पर्पस से आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहला यूजेस जैसे कि आप ढूंढते हैं मार्केट में कि आपको ड्राइवर यूनिट्स जो कि अलग के LMT हॉर्न यूनिट्स होते हैं, लंबी लंबी लेंथ बिछानी होती है, छोटे मोटे एम्पलीफायर यहाँ पे बैठ जाते हैं, तार क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ की लगानी होती है, 4-5 बंडल आराम से आप लगा लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं अभी हम यहाँ पे इसकी जो कि टेस्टिंग है आउटडोर की वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एम्पलीफायर को लगा चुका हूँ। बात करता हूँ कनेक्शन की, तो दो मॉनिटर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं दो मॉनिटर 4 ओम्स पे, यानी 2 स्पीकर 8 ओम के 4 ओम्स बन गए पहले में। और इनपुट यहाँ पे बेसिकली मैंने कोई भी मिक्सर का यूज़ नहीं करा है, डायरेक्ट इनपुट करा है, तो आप भी यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट करके 200 मिली वोल्ट पे आपको बस ये स्विच को ऊपर कर देना है, और यहाँ से आप मोबाइल में इनपुट कर दीजिए। सिंपल ईजी है ये। अभी हम चलते हैं इसकी जो कि सॉन्ग प्ले है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सॉन्ग प्ले को करता हूँ, यहाँ से सॉन्ग प्ले करा,
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे कैसे करा इसने परफॉर्मेंस वो भी बता के जाएगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल भी ने यहाँ पे दो मॉनिटर्स के साथ में इसको यूज में लिया था। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल 12 के साथ में इसको चला सकते हैं, या फिर इसकी पावर रेटिंग्स के हिसाब से अगर 100-200 वाट ऊपर भी हो जाता है तो काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एम्पलीफायर के साथ में भी। बाकी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बाकी डिटेल्स के बारे में। तो प्राइसिंग सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्राइसिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। रहती है बात दोस्तों अवेलेबिलिटी की, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी म्यूजिक टोन के डीलर से भी ले सकते हैं। तो मैं म्यूजिक टोन का ही काम करता हूँ, आपको कंपनी का नंबर नीचे दे देता हूँ, आप वहाँ पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं या फिर वहीं से डायरेक्ट कंपनी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।